हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस के इस नए वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि 2023 कैसा रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले सारी फायर साइंस के लिए, सारी फायर साइंस है इसमें, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि, इन तीनों राशियों के लिए एलिमेंट के बेसिस पे रीडिंग रहेगा। आपकी चाहे जन्म राशि है, लग्न राशि है, या फिर ये दोनों भी नहीं है, आपका अभी जो करंट नेम है उसके नाम से अगर आप देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग वैसे भी देखते कैसे भी है, लेकिन अगर आपकी फायर एलिमेंट की राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और आगे बढ़ने से पहले हम सब लोगों को ये बता दूं कि एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, कुछ चीज़ें जैसे मिक्स होके आती है, किसी और की एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो जितना आपको चाहिए, जितना मैच हो रहा है उतना रखना है, बाकी दूसरों के लिए रख देना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं वापस बता रही हूँ, सारी फायर साइंस यही पे है, इसी रीडिंग में है, और ये डिटेल रीडिंग रहेगा, यानी पूरा साल कैसे रहेगा। इसके पहले मैंने पिकअप आइल किया हुआ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा डिटेल है और ये स्पेसिफिक फायर साइंस के लिए रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आता है आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कार्ड्स को अरेंज करने के लिए, इसीलिए मैंने पहले से शफल करके रखे हैं, क्योंकि अगर मैं अभी शफल करने के लिए ले लूं तो काफ़ी सारा टाइम उसमें चला जाता है, इसलिए मैंने पहले से शफल करके रखा हुआ है। आप लोगों का उतना टाइम भी बच जाता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है शफलिंग करते वक्त। देखते हैं क्या क्या आता है आप लोगों के लिए। हो सकता है कुछ कार्ड्स आपको ठीक से ना दिखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, मैं थोड़ा सा कैमरा के नज़दीक ला के आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे डिटेल रीडिंग करना है, तो इसलिए ज़्यादा कार्ड्स निकालो। पूरा कैमरा भर चुका है। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि, यानी इसमें सारे टॉपिक्स मैं कवर कर लूँगी, जैसे करियर है, रिलेशनशिप, हेल्थ है, फाइनेंस, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर से कि आपका करियर कैसे रहने वाला है 2023 में। फायर साइंस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि 2023 में आप नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, जॉब है, बिजनेस है, कुछ मुझे यहाँ पे ये भी आ रहा है, जैसे अपैरल शॉप है या फिर बुटीक है या फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, ऐसा कुछ कोई मुझे यहाँ पे स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है, नया कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ करने वाले हैं, और वो हो सकता है कि उसकी शुरुआत बहुत छोटी है या फिर थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन बहुत सारी एक्साइटमेंट रहेगी आपकी इस साल में, आप नया ज़रूर कुछ करने वाले हैं, और बहुत सारी सरप्राइजेस भी आपको उससे मिलेंगी, यानी आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी सारी सरप्राइजेस, पॉजिटिव सरप्राइजेस भी आपको उससे मिलने वाली है। ये डिसीजन आप इसलिए लेने वाले हैं करियर में, क्योंकि अभी आपका जो करंट प्रोफेशन जो भी है उससे आप तंग आ चुके हैं, वो आपको अभी मैनेज नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग 2023 में फायर साइंस, कहीं पे अगर आप घर से दूर रहते थे, तो घर वालों से दूर थे, या फिर अपनी नेटिव प्लेस से कहीं दूर थे, या फिर किसी दूसरे कंट्री में थे, तो आप अपनी प्लेस पे, अपनी कंट्री में आके अपना करियर स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे घर वापसी भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं अकेले घर से दूर रहने के बाद में, सारी चीज़ें अकेले सब कुछ करने से, तो आपने बहुत सारे लोग ये यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कि ऐसा कुछ करियर छोड़ के अपने घर के फैमिली के पास में नज़दीक आके अपना खुद का कुछ स्टार्ट करे वापस से, ऐसा सोच रहे हैं। जैसे बहुत बार जॉब में इंसान तंग हो जाता है और ये सोचता है कि शायद मैं खुद का कुछ कर लूँ
जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नहीं बहुत सारी ना नई शुरुआत दिख रही है मुझे। जो पेनफुल था, जो स्ट्रेस्ड आपको स्ट्रेस दे रहा था, ये सारी चीज़ें जो थी ना आपकी, तो वो हटने वाली है, आप उन्हें छोड़ने वाले हैं। एक वापस से एक नई एनर्जी के साथ में 2023 में आप लोगों का करियर शुरू होने वाला है। जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, उनके लिए जॉब मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है, जो लोग स्पेशली जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका अटायर बहुत अच्छे से आपको बनाना है, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी जिस भी तरीके का अपना पूरा गेटअप रखते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल नहीं दिखता है और मैच्योर नहीं दिखता है। उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में जाते वक्त आप लोगों को ज़्यादा ब्राइट कलर के कपड़े हैं या फिर एकदम फंकी टाइप ऐसा नहीं करना होता है। तो वहाँ पे भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, यानी करियर के लिए तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि जो लोग पहले से जॉब में है, यानी कि किसी सीनियर पोजीशन पे है, उनको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, यानी जो बहुत सालों से कुछ कर रहे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे के लिए ही दिख रही है मुझे, यानी जो कुछ भी आपके साथ चेंज होगा वो आपके आगे की लाइफ के लिए बेहतरीन बनाने के लिए ही रहेगा। तो करियर के लिए अच्छा भी फाइनेंसेस देखते हैं। फाइनेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे फाइनेंस आपको 2023 में फायर साइंस बहुत केयरफुली यूटिलाइज़ करना है। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हैं या पैसे देते हैं, तो देने वाला इंसान कौन है, कैसा है, सोच के दीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी को पैसा मत दीजिए, वो पैसा नहीं आएगा आपका। वो इंसान या तो भाग जाएगा, या फिर उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर ऐसा कुछ हो गया और आपका पैसा डूब गया। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको केयरफुल रहना है, बहुत मैच्योरिटी से आपको डिसीजन लेना है। आपको अपने पैसे भी खर्च करते वक्त दूसरी जगह पे भी बहुत सावधानी से खर्च करना है। और ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप घर के लिए पैसा खर्च करने वाले, घर के लिए, फैमिली के लिए, मदर है या फिर वाइफ है, इनके लिए आप कुछ करने वाले हैं। कोई यहाँ पे मुझे घर के लिए पैसा खर्च कर रहा है, जैसे घर खरीदना है, या फिर घर में इन्वेस्ट करना है, या फिर घर डेकोरेट करना है, कुछ नया फर्नीचर ले लिया, या फिर घर में पेट्स ले लिए, यानी फैमिली के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ पे भी आप मुझे फिनांस स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और इस वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी मदर है, वाइफ है, वो बहुत खुश रहने वाली है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। लेकिन सजेशन यही है कि पैसा ध्यान से यूटिलाइज़ कीजिएगा। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, वहाँ पे पैसा आपको खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर पॉसिबल है तो किसी को पैसा दीजिए मत, और देते हैं तो जैसे मैंने बताया, केयरफुल रहिएगा कि इंसान कैसा है वो देख के आपको देना है। बाकी फिनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी दिख रही है मुझे, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी 2023 में। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी रहेगी 2023 में। भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे, यानी अब तक करियर फाइनेंस के बाद में सबसे बढ़िया मुझे हेल्थ का दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई मेजर हेल्थ इशू था बहुत सारे लोगों को, यानी बहुत सालों से चला रहा है ये एक, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वैसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें एंसेस्टर से चला आ रहा है, या फिर हेरिडिटी से है, ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो भी यहाँ पे मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। यानी आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी 2023 में। जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे उससे आप बाहर निकलेंगे, रिकवरी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर कोई बहुत दिनों से, बहुत सालों से चाइल्ड कंसीविंग के लिए वेट कर रहा था, तो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है मुझे किसी को। मुझे यहाँ पे ट्विंस भी दिख रहे हैं,
अगर कोई सेक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज थे, मेल हो या फीमेल हो, तो वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जैसे किडनी है, यूरिन यूरिन का कुछ इशू है, या फिर यूट्रस का कुछ इशू है, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कोई इश्यूज थे, इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर ऐसा कुछ है, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। नहीं, हेल्थ बहुत आपकी अच्छी होने वाली है। एक लंबे समय के बाद में आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं 2023 में। अब चलते हैं आपके रिलेशनशिप की तरफ, कि रिलेशनशिप एरिया आप लोगों का कैसे रहेगा 2023 में। भाई यहाँ पे फायर साइंस कुछ बहुत सालों से लंबा चला रहा, आपका वेट खत्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में। जैसे आप कोई एक परफेक्ट पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे कि भाई मुझे एग्जैक्टली कौन सा पार्टनर चूज़ करना है, या फिर मैरिज कब होगी, या फिर मेरा पार्टनर कब मिलेगा। क्योंकि यहाँ अभी तक मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ में जुड़े हुए थे और उनके साथ में परेशान थे, कार्मिक ने आप लोगों को बहुत परेशान किया आपकी लव रिलेशनशिप में। आपको कोई सोलमेट या फिर ऐसा कनेक्शन मिला नहीं है, जितने भी मिले आप लोगों को कार्मिक मिले बहुत परेशान हो चुके हैं, और आपने अभी बस ठान लिया कि नहीं भाई मुझे अभी ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो डिवाइन कनेक्शन है या फिर प्योर है, उसी के साथ में मुझे अभी रिश्ता बनाना है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपके पास में प्रपोजल ऐसा आएगा कि जो आपसे बहुत दूर रहता है, दूर डिस्टेंस पे रहता है, यानी आपके सिटी का, आपके नज़दीक का ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ऐसा दिख रहा है। यानी वो इंसान भी आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवल करके आपके पास में, लेकिन डिस्टेंस है, सेम सिटी से या बहुत नज़दीक ऐसे नहीं है, डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे ये होने वाला है, ये दिख रहा है मुझे कि आप ना वापस से पुरानी चीज़ों में थोड़ा सा फंसने वाले हैं और डिसीजन लेते वक्त बहुत टाइम लेने वाले हैं आप। यानी जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए मुझे यहाँ पे अच्छा टाइम दिख रहा है कि फाइनली आप लोगों का कार्मिक साइकिल जो था मैरिज के लिए वो ख़त्म हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आ रही है मैरिज के लिए। और एक जैसे पहले कार्मिक्स आपकी ज़िंदगी में आए थे, तो वो अभी वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने लेसन्स लर्न कर चुके हैं और अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी, डिवाइन पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। हाँ, ज़रूरत रहेगी यहाँ पे कि आपको डिसीजन सही तरीके से लेना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो इंसान आ गया और आपने डिसीजन नहीं लिया, आप सिर्फ वेट करते रह गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सोचेंगे आप, ऐसा दिख रहा है बहुत सोचने वाले हैं आप, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। तो यहाँ पे डिसीजन और एक्शन दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी लव रिलेशनशिप में अगर आप लोग है, मैरिज के अलावा लव रिलेशनशिप में है, उसके लिए अगर वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के साथ में मुझे आप लोगों का कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। वापस वही सिचुएशन है कि आप वापस एक कार्मिक सिचुएशंस में फंसेंगे, डिसीजन ना लेने की वजह से ना आप गलत रिश्तों में भी फंस सकते हैं। ये उनके लिए है जो मैरिड नहीं है, सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, उनके लिए है। केयरफुल रहिएगा कि किसके ऊपर ध्यान देना है, किसे चूज़ करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नया कुछ कौन एंटर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ मैसेज। विडोड और डिवोर्स वुमेन और वुमेन विथ एयर प्री डोमिनेटिंग इन हर चार्ट, यानी कोई ऐसी फीमेल जो या तो विडो है या फिर डिवोर्सी है, ऐसी कोई फीमेल आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी उसका इंटरफेरेंस रहेगा एंड उसकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, और प्रोबेबली उसके जो साइंस रहेंगे वो एक्वेरियस, लीब्रा या फिर जेमिनी,
इन जोडियक साइंस में से हो सकता है, और ये इंसान क्यों आ रहा है, ये इंसान इस सब को बच के रहना है, क्योंकि एयर इंसान वाले बात करने में बहुत तेज तर्रार होते हैं, तो इनसे आपको बचने के लिए, बच के रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि बेवजह या आपके रिलेशनशिप में झगड़े पैदा करेगा, आपको इसलिए केयरफुल रहना है, यानी एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनाना या फिर झगड़े लगा देना, किसी के पीठ पीछे कुछ और बता देना, एक एरोगेंस है, जेलसी है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो ये इंसान करेगा, तो केयरफुल रहिएगा इस चीज़ से। चैलेंजेस आपको कहाँ पे आने वाले हैं इस साल भर में 2023 में, तो यहाँ पे है टू ऑफ सोर्स और मैसेज है, मैं पढ़ के बताती हूँ, इनडिसिजन, ट्रबल, बैलेंस्ड, डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग अप ऑप्शंस, अवॉइडेंस। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आप लोग, मुझे से रिलेशनशिप में मैंने बताया था कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, तो वही चैलेंज आपको साल में 2023 में आने वाला है कि आपको ये अगर डिसीजन लेना चाहते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा सा आप हैंग हो जाएंगे, डिसीजन लेते वक्त आपको थोड़ी परेशानी होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की मदद लेनी है। इंट्यूशन अगर आप लोगों को क्लियरली समझ नहीं आता तो आप अपनी अंदर की आवाज़ बोल सकते हैं, वो क्या बता रही है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए, अगर आपका दिमाग उस टाइम पे आपको साथ नहीं दे रहा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी कौन सी विश फुलफिल होने वाली है 2023 में, बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सुंदर है, कार्ड में बताती हूँ कि कार्ड नीचे गिर गया यहाँ पे, जब मैं शफल कर रही थी ना तब भी ये कार्ड खुद से पॉप आउट हुआ था, और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी नीचे गिर गया, देखिए कार्ड है फ्लावरिंग और दूसरा है मोमेंट टू मोमेंट। अब इसमें अलग अलग मैसेजेस है, मैं बताती हूँ, इस बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ यानी विश आपकी कौन सी फुलफिल होगी उसके बारे में, तो सबसे पहले बहुत सारा पैसा आपके पास में आ रहा है, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, तो वही मैसेज दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे, वो कार्ड रिपीट हुआ है, और ये फिनेंशियल ग्रोथ कब होगी मैं बताती हूँ आप लोगों को, यानी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कब आने वाली है, जो लोग मैरिज कर रहे हैं 2023 में, तो वो जो फीमेल रहेगी जिसके साथ में आप मैरिज करेंगे, वो फीमेल ऐसी है यानी वो बहुत स्ट्रांग है फीमेल, वो उसमें कुछ डिवाइन एनर्जीज है, माता लक्ष्मी का उस पर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स लेके वो आएगी आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है उसकी जोडियक साइन लीब्रा हो या फिर उसका वीनस बहुत स्ट्रांग हो, और ये भी हो सकता है कि माता लक्ष्मी की वो पूजा करती हो, उसे ग्रीन या फिर पिंक या फिर वाइट कलर, ये तीनों कलर में से कोई उसका फेवरेट कलर हो सकता है, तो ये ऐसी फीमेल रहेगी, और इसके साथ मैरिज होने के बाद में आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, इतना अबंडेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत पैसा, यानी पहले जो आप वेट कर रहे थे यानी रुक रुक के पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, कहीं पर खर्चा हो रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, बहुत सुंदर एनर्जी है, एंड वो फीमेल ऐसी एनर्जी है जो खुद में बहुत पावरफुल है, और सिर्फ फिनेंशियल नहीं, वो आपकी फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सारा पैसा, फैमिली, लव, केयर, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी वो ऐसे जैसे कार्ड है ना कि फ्लावरिंग है आपके ऊपर, एक वो शावर करेगी हर चीज़, ऐसा वो पर्सन है, ये विश फुलफिल होगी आपकी 2023 में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये सब हो गया, बाकी ओवरऑल आपका ये साल कैसा रहने वाला है, इन शॉर्ट में वापस से मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसके लिए अलग से मैंने कार्ड निकाले हैं, तो उसके लिए कार्ड है हीलिंग और दूसरा है गाइडेंस।
अब यहाँ पे 2023 ऐसा रहेगा कि आपके रिलेशनशिप रिलेटेड या फिर हार्ट चक्र रिलेटेड जो भी इश्यूज है उस पे आपका काम करना होगा, उसका हीलिंग होगा। आपने कॉन्शियसली नहीं भी किया तब भी वो हीलिंग होने वाला है आप लोगों का। सेक्रल चक्र भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और जैसे ये दोनों चक्रास मैंने बोले वापस आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा कंसर्न है। जैसे अगर आप कोई रिलेशनशिप मैरिज को लेके बहुत परेशान थे तो जैसे मैंने बताया कि आपको पार्टनर कैसे मिलने वाला है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें हील होने वाली, जो भी ब्लॉकेज आपने बना के रखा हुआ अपनी ज़िंदगी में हार्ट चक्रा में सेक्रल चक्रा में, तो ये सब कुछ हील होने वाला है। और अगर अब तक आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे या फिर कर नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, तो ये भी चीज़ हील होगी आपकी पूरे इस 2023 में। और आपको हमेशा गाइडेंस मिलता रहेगा पूरे साल भर, एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। एंजल्स है, आप जहाँ पे भी बिलीव करते हैं वहाँ से आपको डिवाइन गाइडेंस मिलता रहेगा, उसकी तरफ आपको इग्नोर नहीं करना है। यानी आपका हीलिंग भी हो रहा है और गाइडेंस भी मिल रहा है, पूरा साल ऐसे ही रहने वाला है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। अब फाइनली देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए पूरे साल भर के लिए गाइडेंस क्या है। तो पहला कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए फुल मून इन लियो, हम लोग रीडिंग कर रहे हैं फायर साइंस के लिए। एरीज लियो सजिटेरियस, कार्ड भी लियो का ही आया है। और दूसरा है पीसफुल रेजोल्यूशन। अब गाइडेंस आप लोगों को ये बता रहा है, जैसे फायर साइंस वालों का दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, और बहुत जल्दी प्राइड भी आप लोगों में आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि गाइडेंस ये है कि आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है पूरे साल भर में, यानी हर चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी बहुत सुंदर है, ट्रैक पे आ रही है। तो आपको यहाँ पे अपना ईगो नहीं बढ़ने देना है, प्राइड में नहीं आना है, ये आपको बोला जा रहा है। जितना पोलाइट रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। किसी के साथ झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। कोई सिचुएशन अगर क्रिटिकल बन रही है तो वेट कीजिए और उस पर डिस्कस करके पीसफुल रेजोल्यूशंस निकाली। जैसे यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मैंने बोला कि कोई एंटर कर रहा है और वो बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है। बहुत सुंदर एनर्जी है फायर साइंस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के कि आप लोगों का 2023 ओवरऑल हर तरीके से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यानी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इतने दिनों से, काफ़ी जगह पर रिलेशनशिप में तो ज़्यादा दिख रहा है मुझे, रिलेशनशिप मीन्स यानी रिलेशनशिप की वजह से ही आपका 2023 बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्योर होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कि आपका जो भी कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है वो हीलर है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है और हीलर है। अब ये आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल उसकी वैसे, लेकिन यहाँ पे है कोई जिसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है वो हीलिंग जानता है, नहीं भी जानता है लेकिन उसमें कुछ है, हीलिंग पावर्स है, डिवाइन पावर्स रहेगी जो भी पार्टनर आपको मिलेगा। तो चलिए आप लोग मुझे बताएगा आप लोगों को एक ऐसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल डिटेल रीडिंग इंडिविजुअल अगर आप लोगों को लेना है, न्यूरोलॉजिकल एनालिसिस या फिर कोई और सर्विस अवेल करनी है, तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और जाने से पहले आप लोगों को मेरा दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इसी नाम का मेरा फेसबुक पेज और इंस्टा भी है, वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने सबका ख्याल रखिएगा। तमसोमा ज्योतिर्गमयो।